गरीब वर्सेस अमीर माँ का प्यार बाथ टब। गुरुग्राम में गंगूबाई नाम की एक गरीब औरत रहती थी। वो स्टील के बर्तन बेचकर गुजारा करती थी। एक दिन उसका बेटा चिंटू उसके पास आया। माँ, आज मैं अपने क्लास में राहुल नाम के लड़के से झगड़ कर आया हूँ। हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अरे बेटे चिंटू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया क्यों अपने दोस्तों के साथ झगड़ा ना करो। तुम सबके साथ दोस्ती बनाए रखो बेटा, सबके साथ प्यार से बात किया करो। कितनी बार बताया है कि किसी से झगड़ा ना किया करो, लेकिन फिर से तुमने झगड़ा क्यों किया? कुछ नहीं माँ, उस राहुल ने हम सबको अपने घर खेलने के लिए बुलाया था, सबके साथ साथ मैं भी गया। ये तो अच्छी बात है कि तुम गए, लेकिन जाकर खेलने के बजाय तुम लड़ाई क्यों करके आए? वहाँ क्या हुआ, मुझे जरा बताओ सब कुछ। वहाँ जो कुछ हुआ वो सब बताने लगा। बच्चे सब राहुल के घर गए, वहाँ खेल रहे थे। तभी राहुल की माँ वहाँ आई और हे राहुल, कम यार, बस बहुत हो चुका खेल, आकर नहा कर जाओ, कहकर आवाज दी। ठीक है यार, माँ बुला रही है, मैं जाकर नहा कर आता हूँ। जाने से पहले क्या तुम लोग देखना चाहोगे कि मैं कैसे नहाता हूँ? मैं बाथ टब में नहाता हूँ, आओ दिखाता हूँ, कहकर अपने दोस्तों को उसने बाथ टब दिखाया। वो बहुत बढ़िया था, उसे देखकर चिंटू, अरे यार राहुल, तुम्हारा बाथ टब तो बहुत बढ़िया है। अरे तुम्हारे मम्मी के आने के पहले मैं भी इसमें उतर कर नहा लेता हूँ यार। अरे यार नहीं नहीं, ये सब हम जैसे धनवानों के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है यार। मेरे नहाने के लिए मेरी माँ ने खास तौर पे इसे दूसरे देश से इम्पोर्ट कराया है। जानते हो इसकी कीमत क्या है? 5 लाख रुपए है यार। अरे रहने दो यार, इतने डिंगे ना मारो। अरे तुम कहोगे कि पानी का टब 5 लाख का है तो हम क्या विश्वास कर लेंगे? हम इतने मूर्ख नहीं है। अरे विश्वास नहीं है तो जरा रुको, मैं मम्मी को बुलाता हूँ, वही बताएंगी, कहकर उसने अपने माँ को बुलाया। मम्मी, ये बात तब तुमने मेरे लिए कौन से देश से मंगवाया था, जरा इन्हें बताना, मैं कहता हूँ तो ये विश्वास नहीं करते। हाँ बेटा, दिस इज एन इम्पोर्टेड बाथटब, इट कॉस्ट 5 लाख। मैंने खास तौर पर राहुल के लिए इटली से मंगवाया है। ये मैंने बड़े प्यार से खरीदा है इसके लिए, इसमें ये बड़े मजे से खेलता हुआ नहा सकता है। अरे राहुल के लिए पैसे खर्च करने से हम पीछे नहीं हटते, कहकर राहुल को बाथटब में बिठाया और उसे नहलाया। उसके बाद राहुल की माँ, ठीक है बेटा राहुल, तुम थोड़ी देर पानी में खेल लो और आकर फ्रेश हो जाओ, ज्यादा देर पानी में रहोगे तो जुकाम हो जाएगा, ध्यान से बेटा, कहकर वहाँ से चली गई। अरे यार राहुल, तुम्हारी मम्मी वाकई ग्रेट है, इतने पैसे खर्च करके उन्होंने तेरे लिए बाथटब खरीदा, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार। मैं भी घर जाकर अपनी माँ से कहूँगा कि मेरे लिए भी एक बाथटब खरीद कर दे, तब मैं भी तुम्हारी तरह बाथटब में नहाऊंगा। अरे यार जरा अपनी शक्ल आईने में देख लो, अरे बाथ टब में नहाने की किस्मत नहीं है तेरी। तुम्हारी मम्मी इतने पैसे खर्च करके तुम्हारे लिए बाथ टब नहीं खरीद सकती, क्योंकि तुम लोग तो बहुत गरीब हो यार। तब चिंटू को गुस्सा आया। अरे गरीब है तो क्या हुआ, मेरी माँ मेरे लिए खरीद कर देगी, तुम देखते जाओ। अरे देखते हैं, जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खरीदेगी बाथ टब और तुम उसमें नहाओगे, तब देखते हैं। मैं भी देखता हूँ कि तुम बाथ टब में नहाते हो या गंदे नाले में। देख राहुल, तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। वैसे तुमने हम गरीबों को समझ क्या रखा है, जरा अपनी अकड़ कम करो, सबको बराबर की नज़र से देखना सीखो, कहकर उसे डांट कर घर आ गया। फिर चिंटू अपनी माँ से, तो ये बात हुई माँ, अब तुम मेरे लिए भी एक बाथटब खरीद कर दो ना माँ, मैं भी उसमें नहाऊंगा। अरे बेटा, तुम वो शहर की खाल पहनकर लोमड़ी का जो हाल हुआ था वो कहानी जानते हो ना बेटा, हमें ऐसा नहीं करना है। उनके पास पैसे हैं, वो कुछ भी खरीद सकते हैं बेटा, हमारे पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए हम नहीं खरीद सकते बेटा। माँ, तुम यहाँ पैसों की बात करती हो और वहाँ राहुल की माँ उसे इतना प्यार करती है कि उसके लिए कीमती बाथटब खरीद कर दे दी। ठीक है, समझ गई, तुम यही चाहते हो ना कि तुम भी बाथटब में नहाओ, इतना ही ना बेटा, कहकर एक बड़ा सा बर्तन ले आई, उसमें पानी भरा और आओ बेटा चिंटू, मैं तुम्हें इसमें नहलाती हूँ। माँ, ये कैसा बाथटब है? नाना, मुझे नहीं पसंद है, उनका बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा,
कीमती है। अरे ये तो एकदम बेकार है माँ। तब गंगूबाई अपने मन में, अरे लगता है इसे पसंद नहीं है, अब इसे कोई कहानी सुनाकर नहलाना होगा। यूँ सोचकर, बेटा ये गरीबों का बाथटब है, इसमें भी हम मजे से नहा सकते हैं। आओ बेटे, तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर तुम्हें नहलाऊंगी। आ जाओ, राहुल की माँ ने उसे कहानियाँ नहीं सुनाया ना बेटा, पर यहाँ तो तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगी। कहकर उसे उस बर्तन में बिठाया और कहानी सुनाते हुए नहलाने लगी। वो सुनते हुए चिंटू बहुत खुश हुआ। माँ, तुम्हें इस बर्तन को बाथटब में बदल कर मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर मुझे बहुत प्यार से नहलाया माँ। थैंक यू माँ, आई लव यू माँ।